आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किया नहीं खुद से वादा है। साथियों नमस्कार, मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। आपके दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहे होंगे और आप लोगों को अपने जीवन को जीने में एक अलग तरीके से आनंद भी आ रहा होगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ में आइए लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने कल पूछा था आपसे कि इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। तो मित्रों, इसके ऑप्शंस थे बांस, केला, सरसों या फिर गन्ना। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरसों। और इस उत्तर को देने वाले लोगों में जिन्होंने सही इसका उत्तर दिया है, वो हैं पंकज कुमार, अंकित धनखड़, सुमन माहौर, आमिर अली, नेहा सिंह, नवीन चौधरी, निशा भाटी, रॉबिन सिंह रावत, नितिन शर्मा। नितिन शर्मा भाई, मैथ की क्लास आप चिंता ना करिए, बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। विक्रांत शर्मा, ऋतु मलिक, शिवा कुमार, आकाश कुमार, यतीश कुमार, मोहम्मद शाकिर, आनंद कुमार, प्रवीण शर्मा, स्वाति भारद्वाज, नीलम सोलंकी, अंकित कुमार, अभिषेक शर्मा, निशा उपाध्याय, सचिन कुमार, मनीषा बेनीवाल, भोलू शाहपुरिया, सनी कुमार, नितेश कुमार, गौरव कुमार, अमन शर्मा, सौरभ शर्मा, गौरी ठाकुर आदि। इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। दोस्तों, आपसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही हमारी गुजारिश रहती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन उसी समय जिस समय की क्लास आए आपको मिल जाए। आइए दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मित्रों, सवाल में आपसे कह रहे हैं कि 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो कल बीता है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसा करके सवाल है। तो इसका सही उत्तर है कारगिल विजय दिवस, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका ठीक है। 20 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई 1999 को ख़त्म हुआ था, जिसमें आखिर में भारत की विजय हुई थी। तो मित्रों, इसी दिन भारत की विजय हुई थी और इसी कारण से वर्ष भर हम इसको मनाते हैं। 2020 में जो हमने कल इसको मनाया है, ये 21वां, क्योंकि 1999 में कारगिल अभियान हुआ था तो अभी इसको 21 वर्ष हो गए हैं। तो ये हमने 26 तारीख को ऐसा वहाँ पे विजय मिला था, तो इसी कारण से इसी दिन हम इसको मनाते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में आपसे कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है। तो आपको पता होगा, अभी अमित शाह जी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि वृक्षारोपण अभियान जो है, इसके कारण से जो देश भर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल तो तैयार होगा ही, साथ में ही जलवायु परिवर्तन के कारण से प्रकृति को हो रहे नुकसान की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके मुताबिक कॉलोनियों, खानों और जो कार्यालयों हैं उनमें पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के तहत 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। कितने इको पार्क हैं? तो 6 इको पार्क इसमें हुए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये जो सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बोलता रहता हूँ, आप इनको अगर नोट कर लें तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त हमारी PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें, या फिर आप हमारे पर जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षागढ़, वहाँ से भी आप जुड़ के इसकी कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि जियोमार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। तो मित्रों, 10 लाख का आंकड़ा जियोमार्ट ने पार कर लिया है। जियोमार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में ही 10 लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप की रिकॉर्डिंग करने वाले जो ऐप्स होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के अनुसार जियोमार्ट ऐप ओवरऑल शॉपिंग सेगमेंट में भी बहुत आगे है। जो ओवरऑल शॉपिंग का ये ऐप है, दरअसल इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग के और भी बहुत सारे ऐप आपको जानकारी है, तो उस सेगमेंट में भी यह ऐप बहुत आगे है। इस ऐप पर डेली 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। तो ये जियोमार्ट ऐप इंडियन ऐप है, इस कारण से ये आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। मित्रों, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश के मछुआरों ने अपने प्रादेशिक जल में भारतीय ट्रोलर्स की संख्या में अचानक वृद्धि होने की सूचना दी है। तो आपको मछुआरों से भारत के कहाँ पे संबंध रहते हैं, इस तरीके से भी आप इस सवाल को सोच के आंसर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, इसका ठीक है।
श्रीलंकाई मछुआरों के द्वारा हाल ही में अपने प्रादेशिक जल यानी कि जो श्रीलंका के पश्चिमी क्षेत्र में है भारतीय ट्रोलर्स की संख्या में अचानक वृद्धि होने की सूचना दी है। प्रादेशिक प्रदेश आधार रेखा से समुद्र 12 मील की जो समुद्री दूरी है ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक जो है वो प्रदेश आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। इसके हवाई क्षेत्र सीबेड और सब सॉइल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है यानी कि जो कोस्टल लाइन पे जो देश बसे हुए हैं उन वो यहाँ पे सोवरेन होते हैं। तो श्रीलंका के बारे में सारी जानकारी हमने पिछले सेशन में आपको दी थी, साथ में इस चल रहे ये जो स्लाइड है इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त आपको ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका की जो मुद्रा है वो करेंसी जो है वो रुपया ही है ना, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चली रही हैं। आइए अगले सवाल की ओर मित्रों चलते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नियमावली में संशोधन किया है, तो इसमें दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन यानी कि सामान्य वित्तीय नियमावली 2017। हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 में संशोधन करते हुए भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के निवेशकों की ओर से सार्वजनिक खरीद में बोली लगाने पर कुछ प्रतिबंध अधिरोपित किए हैं। तो इसका सही जवाब पहला हो गया, इसमें ही भारत ने कुछ जो है संशोधन जो है उसको अमेंडमेंट्स को किया है। अगला सवाल ये रहा, किस राज्य सरकार ने डोडा मर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है, तो किसने किया है इसको? मध्य प्रदेश ने किया है। आपको पता होगा डोडा मर्ग वन क्षेत्र कहाँ पे है, इंग्लिश में एक्चुअली MARG लिखा जाता है तो वो डोडा मर्ग ही है हिंदी में उसका प्रोनंसिएशन। तो जो है इसको कहाँ, सॉरी जो है मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है, तो कहाँ पे किया, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले, वहाँ का एक जिला है सिंधुदुर्ग, उस जिले में स्थित डोडा मर्ग वन क्षेत्र के लगभग 29.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तिलारी संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। तिलारी महाराष्ट्र राज्य का 7वां वन्य जीव गलियारा है। आपको पता होना चाहिए तिलारी कहाँ का है, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में ही है और यहाँ का 7वां वन्य जीव गलियारा है जिसे संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो महाराष्ट्र के विषय में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल यानी कि राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है, कैपिटल है मुंबई। जो मुंबई है वो यहाँ की न केवल कैपिटल है बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है, लार्जेस्ट सिटी। अब इसमें मज़े की बात यह है कि न केवल महाराष्ट्र की है ये बल्कि इंडिया के भी, जो भारत है इंडिया की भी ये सबसे बड़ा शहर है, ये भारत का भी सबसे बड़ा शहर है। अगर पेपर में सवाल आता है बताइए भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है, तो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई ही भारत का सबसे बड़ा शहर है। इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा गया है, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी यही है, आर्थिक राजधानी में लिख देता हूँ इकोनॉमिकल कैपिटल, आर्थिक राजधानी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, इकोनॉमिकल कैपिटल कौन सी है, मुंबई है। ये जो महाराष्ट्र राज्य है इस महाराष्ट्र के विषय में ही और सवालों को लेते हैं, तो जो महाराष्ट्र राज्य है इसका गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। इसमें कुल जिले कितने हैं, तो 36 हैं। अब ये जो सवाल था अभी कि डोडा मर्ग वन क्षेत्र कहाँ है, तो इसी में एक जिला है सिंधुदुर्ग वहाँ पे है, तो इसमें कुल 36 जिले हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, गवर्नर जो हैं यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी, आप इसको नोट कर लीजिए, गवर्नर हैं यहाँ पे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ पे गवर्नर हैं। सीएम कौन है यहाँ पे, तो उद्धव ठाकरे हैं, मैं लिख देता हूँ लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे जो एक बड़ा नाम रहे हैं वहाँ की राजनीति में, उनके सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे। किसके पार्टी से आते हैं, तो शिवसेना से आते हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं। शिवसेना का और कांग्रेस का और NCP का गठबंधन महाराष्ट्र में है और इस गठबंधन की सरकार के में जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, MLA की जो सीटें यहाँ पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, तो 288 विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है,
तो राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें, यानी कि जो लोकसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है ये जो राज्य है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो महाराष्ट्र में कितनी है, 48 हैं। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि भारत विश्व में सोने का उपभोग करने के लिए किस स्थान पर, यानी कौन से स्थान पर है सोने का उपयोग करने में, तो दूसरे स्थान पर है मित्रों, पहले पर चाइना है, आपको पता होना चाहिए। तो यह गौरतलब है कि चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, यानी कि जो भारत में सोना खरीदने वाले लोगों की संख्या है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। हाल ही में भारत में सोने की कीमतें 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को भी पार कर गई, यानी कि 50,000 से ज़्यादा सोने का भाव हो गया प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम मतलब इसको जो है एक तोला जो सोना है उसको 10 ग्राम होता है एक तोला के अंदर, तो उसका जो रेट है वो 50,000 को भी पार कर गया। वर्ष 2020 की पहली छमाही में सोने का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा और मार्च माह में इसके निचले स्तर से लगभग 25% की वृद्धि दर्ज हुई है, यानी 25% इसमें इंक्रीमेंट पिछले जो है समय में इसमें हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो इसको किया है मित्रों रूस ने, रसिया ने। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन, तो इसको आप लिख लीजिए MGTD-20, ये एयरक्राफ्ट इंजन का नाम है। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानवश विमानन केंद्र में किया गया है, ये इस जगह का नाम है ततारस्तान, लिख देता हूँ यहाँ पे, ततारस्तान में। और यहाँ पे जो कौन सा विमानन केंद्र है, तो कजानवश विमानन केंद्र है, कजानवश विमानन केंद्र है, यहाँ किया गया है। अब मैं रसिया के बारे में आपको कुछ सवालों को बताता हूँ। जो रसिया है, रसिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, मॉस्को है। यहाँ की जो कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, मॉस्को है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी मॉस्को ही है, सबसे बड़ा शहर भी यहाँ पे मॉस्को ही है, सबसे रशिया तो इसकी जो है कैपिटल मॉस्को तो है ही है, इसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा शहर है वो भी मॉस्को है। यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो दिमित्री मेदवेदेव, मैं हिंदी में लिखता हूँ इसको दिमित्री मेदवेदेव, ऐसा करके नाम है इनका। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम हैं, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रसिया है वो वर्ल्ड में पहले नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो कौन है, वो रसिया ही है। करेंसी क्या है यहाँ की, तो रूबल है, रूबल। यहाँ करेंसी जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, रूबल, ये आपको पता होना चाहिए, रूबल है यहाँ पे जो करेंसी है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड, फेम कार्ड लॉन्च किया है, तो किसने किया, ये फैमपे ने किया है, फैमपे। जो फैमपे है ये फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में इसने किया है, बैंक है एक फर्स्ट बैंक, उसके साथ साझेदारी में किया, पता होना चाहिए किस बैंक के साथ साझेदारी है, तो फर्स्ट बैंक, फर्स्ट बैंक के साथ साझेदारी में फैमपे भारत का पहला नियो बैंक है, जिसने IFC फर्स्ट बैंक के साथ भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। नंबरलेस कार्ड का मतलब है कि आपको ऐसा ATM या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसके लिए आपको बैंक में खाता खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आप देखते हैं कि जो डेबिट कार्ड आपका होता है जिसके कारण से आप ATM मशीन्स में से पैसा निकालते हैं, तो अब क्या होगा कि इसमें आपको इसमें बिना अकाउंट खुलवाए ये कार्ड आपको दिया जाएगा। दरअसल जो कम उम्र के जो टीनेजर्स बच्चे हैं, जो किशोर हैं,
उनके खाते न खुलवाने के कारण से उनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको बड़ी समस्या होती थी। क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी कारण से अब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये कार्ड दिया जाएगा। ये किसी खाते से लिंक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होगा, इस कारण से इसमें खतरा भी बहुत ना के बराबर होगा। इसको इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि सभी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इसका जो इसका फाउंडर है, किसने इसकी खोज की है, तो कुश तनेजा, कुश तनेजा और संभव जैन। कुश तनेजा और संभव जैन, इन्होंने इसको जो है, ये फाउंडर आप एक तरीके से कह सकते हैं। फैमपे के फाउंडर कौन है? कुश तनेजा और संभव जैन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो मित्रों हरियाणा करेगा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। अभी लास्ट में भी सवाल आया था, चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद है, है ना। सबसे बड़ा शहर कौन सा हरियाणा का? फरीदाबाद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ हैं कि यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पे कौन है? गवर्नर हैं। यहाँ पे सीएम कौन है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। मनोहर लाल खट्टर। यहाँ पे सवाल आता है कि बताइए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी है? 5 हैं। विधानसभा की कितनी है? तो 90 हैं। ठीक है, तो लोकसभा की कितनी है? 10, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 90, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये था आज का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। सवाल आपसे कह रहे हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। इसका जो भी आपको ठीक जवाब लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।